दोस्तों सलाद का सेवन कब करना चाहिए आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। सलाद का सेवन कभी भी भोजन के साथ नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जब भी सलाद खाएं इसे अलग से खाएं, या तो भोजन से एक घंटे पहले या फिर भोजन के दो घंटे बाद। इसलिए सलाद खाने का सबसे सही समय स्नैक्स टाइम माना गया है। भोजन के साथ सलाद क्यों नहीं खाना चाहिए आज इस पर बात करेंगे। आयुर्वेद का मानना है कि पक्के भोजन के साथ कच्चा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र पर अच्छे की जगह बुरा असर पड़ता है और भोजन के सभी पोषक तत्व शरीर को सोखने में समस्या होती है। इसी कारण से आप जो भी हेल्दी चीज़ खाते हैं उनका पूरा सत्व आपके शरीर को प्राप्त नहीं हो पाता है। ये आपके पाचन क्रिया को धीमा करती है, जिससे अन्य कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। खाने से पहले सलाद खाने से वजन कम होता है। सलाद में मौजूद फाइबर वजन कम करने में मदद करता है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।